हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। सलमान खान के बारे में एक बात तो फेमस है कि वो अपने दुश्मन को आसानी से नहीं छोड़ते। ये तो हर कोई जानता ही है कि सलमान से जिसने भी पंगा लिया है उसका करियर मुश्किल में आ गया है, फिर चाहे वो विवेक ओबरॉय हो या अरिजीत सिंह। सलमान जिससे नाराज हुए उसके साथ कभी काम नहीं करते, और ऐसा ही कुछ हुआ वो प्रियंका चोपड़ा के साथ करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले साल सलमान खान की फिल्म भारत के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम फाइनल हो गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले प्रियंका ने फिल्म छोड़ दी। प्रियंका के इस तरह फिल्म छोड़ने से सलमान खान को काफी गुस्सा आया था। तब ये रिपोर्ट्स आई थी कि सलमान ने फिर कभी प्रियंका के साथ फिल्म ना करने की कसम खाई। वहीं जब सलमान प्रियंका के वेडिंग रिसेप्शन में भी पहुंचे तब भी ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने प्रियंका को माफ कर दिया है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। लेकिन लगता है सलमान अब भी पीसी से नाराज हैं। दरअसल संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म के लिए सलमान का नाम फाइनल हो गया है। भंसाली इस फिल्म के लिए प्रियंका को साइन करना चाहते हैं, लेकिन सलमान ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान ने भंसाली से कह दिया है कि वो प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे में भंसाली ने प्रियंका को छोड़ अब दूसरी एक्ट्रेस की तलाश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सलमान इस फिल्म में कैटरीना के साथ काम करना चाहते हैं। सलमान ने भंसाली से कैटरीना को साइन करने को बोला है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या भंसाली सलमान के कहने पर प्रियंका की जगह कैटरीना को फिल्म हम दिल दे चुके सनम 2 के लिए साइन करते हैं या नहीं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाईजान ने प्रियंका से भारत का बदला कुछ इस अंदाज में लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है। पर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि भंसाली इस फिल्म के लिए फाइनली किसको साइन करते हैं। वैसे आप सलमान के साथ इस फिल्म में किस एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।